नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 18 नवंबर, दिन सोमवार। खबरों के उभरने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 21 नवंबर को बेगूसराय में लग रहा रोजगार मेला, इंटर, आईटीआई और डिप्लोमा धारी ले सकते हैं भाग। रोजगार मेला में भाग लेने के लिए एनसीएस पोर्टल पर जाएं। पटना हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद सरकार गंभीर, शराब बंदी पर सख्ती से लागू किया जाएगा, शराब कारोबारियों के खिलाफ उठाए जाएंगे सख्त कदम। 21 नवंबर तक चलेगा प्लस पोलियो अभियान, 0 से 5 वर्ष के बच्चों को दी जाएगी पोलियो खुराक, टीका कर्मियों को किया गया प्रशिक्षण। बिहार में अब ऑनलाइन बिकेंगे बालू गिट्टी, फ्लिपकार्ट अमेजोन की तर्ज पर होगी व्यवस्था, व्यवसायिक उपयोग के लिए ऑनलाइन परमिट होगा जारी। 20 नवंबर को शिक्षकों को बांटे जाएंगे नियुक्ति पत्र, नियुक्ति पत्र में कई जरूरी चीजें भरना है जरूरी, शिक्षा विभाग ने जारी किया फरमान। बिहार में सर्द हवा ने दी दस्तक, कई जिलों में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी, 16 से 18 डिग्री रहेगा न्यूनतम तापमान। रोहित शर्मा को लेकर गांगुली ने किया खुलासा, कप्तान बनने के लिए गांगुली ने रोहित को मनाया, गांगुली ने कहा रोहित एक सक्षम कप्तान। चलिए बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रेलवे द्वारा 1791 पदों पर भर्ती निकाली गई है, आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 दिसंबर है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट rrcjaipur.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 50% अंकों के साथ 10वीं पास और संबंधित ट्रेड में ITI डिप्लोमा जरूरी है। उम्मीदवारों की आयु सीमा 15 से 24 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। उम्मीदवारों का चयन मेरिट बेस पर होगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शिक्षकों के आवासीय प्रशिक्षण में अनुपस्थिति पर कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद यानी SERT ने घोषणा की है कि जिन शिक्षकों ने प्रशिक्षण केंद्र पर रात में रुकने की बजाय घर या अन्य स्थानों पर ठहर कर प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहे, उनसे प्रशिक्षण खर्च की राशि वसूल की जाएगी। शिक्षकों को सतत व्यावसायिक विकास योजना के तहत 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है, लेकिन कई शिक्षक इसमें शामिल होने के बावजूद रात में उपस्थित नहीं रहते। प्रशिक्षण खर्च के तौर पर 4,800 रुपये जिले में और 7,200 रुपये SERT में प्रशिक्षण लेने वाले शिक्षकों से काटे जाएंगे। इसके अलावा काउंसलिंग के लिए भी कई शिक्षक नहीं पहुंच रहे हैं, जिनके लिए जल्द ही संपर्क करने की सलाह दी गई है। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे राजनगर पैलेस के बारे में। ये पर्यटन स्थल बिहार के मधुबनी जिले में स्थित है, जो जिले का प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। इस पैलेस को लोग नवलखा पैलेस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके निर्माण में 9 लाख चांदी के सिक्के लगे थे। इसका निर्माण दरभंगा महाराज रामेश्वर सिंह ने 17वीं शताब्दी में करवाया था। इस पैलेस की कारीगरी देखते बनती है। यदि आप ऐतिहासिक स्थलों पर घूमने का शौक रखते हैं तो राजनगर पैलेस जा सकते हैं। सभी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने 12 अंकों वाला अपार ID यानी APR ID अनिवार्य कर दिया है। हालांकि बिहार के स्कूलों में इसके निर्माण में धीमी गति देखने को मिल रही है। इसे लेकर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने 21 से 25 नवंबर तक विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। परिषद ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजकर कहा है कि इस अभियान को जिला, प्रखंड, संकुल और विद्यालय स्तर पर लागू किया जाए। इसके तहत स्कूलों में अभिभावक शिक्षक संगोष्ठियां आयोजित कर माता पिता से सहमति पत्र भी लिया जाएगा। साथ ही सभी संबंधित अधिकारी, शिक्षक और कर्मी इस कार्य को शीघ्रता से पूरी करेंगे, ताकि UDIS 2024-25 में आधार अपडेशन भी समय पर हो सके। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए 21 नवंबर को बेगूसराय के पनहांस चौक स्थित ITI परिसर में जिला नियोजनालय में एक जॉब कैंप आयोजित किया जाएगा। इस कैंप में BCS कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 100 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिसमें इंटर, ITI और डिप्लोमाधारी ट्रेनिंग के 60 पद शामिल हैं। इन पदों के लिए 30 वर्ष तक की आयु सीमा रखी गई है।
इंटर और आईटीआई वालों को 11,500 रुपए वेतन जबकि डिप्लोमा धारी को 12,500 रुपए वेतन दिए जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार एनसीएस पोर्टल www.ncs.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करके आवेदन कर सकते हैं। बिहार में शराबबंदी लागू करने के बाद भी जहरीली शराब पीने से हुई मौतों पर पटना हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार शराबबंदी कानून को और सख्त करने पर विचार कर रही है। मद्य निषेध विभाग के मंत्री रत्नेश सदा ने बताया कि राज्य सरकार हाईकोर्ट की टिप्पणी का सम्मान करती है और शराब तस्करों और माफियाओं के खिलाफ कड़े कदम उठाएगी। सरकार शराब के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों को संपत्ति जब्त करने और सीसीए जैसे कड़े कानून लागू करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। बीजेपी ने कहा है कि अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने आरोप लगाया है कि शराबबंदी कानून प्रशासन की मिलीभगत से फेल हो रहा है। अगले 5 सालों में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2 के तहत राज्य में 5 लाख आवास बनाए जाएंगे। प्रत्येक वर्ष सरकार 1,000 करोड़ रुपए का राज्यांश 1 लाख आवासों के निर्माण के लिए प्रदान करेगी। मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि ये निर्माण वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2029-30 तक होगा। राज्य सरकार लाभार्थियों को प्रति आवास 1 लाख रुपए की सहायता राशि देगी, जो पहले 50,000 रुपए थी। इसके अलावा केंद्र सरकार 1.5 लाख रुपए का अनुदान देगी। नवाचार तकनीक से बने आवासों के लिए अतिरिक्त अनुदान भी मिलेगी। किफायती रेंटल आवास योजना में राज्य सरकार 2,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर सहायता प्रदान करेगी। इसके साथ ही ब्याज सब्सिडी योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को आवास ऋण पर अधिकतम 1.80 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। बिहार में जल्द ही बालू, पत्थर और अन्य खनिजों की बिक्री ऑनलाइन शुरू होगी। इस योजना के तहत बालों की ऑनलाइन बिक्री सबसे पहले शुरू होगी, फिर बाद में गिट्टी, मिट्टी और अन्य खनिजों की बिक्री भी ऑनलाइन होगी। इस व्यवस्था का संचालन अमेज़न या फ्लिपकार्ट जैसी शॉपिंग वेबसाइट्स की तरह ही किया जाएगा। वेबसाइट पर बालू के प्रकार जैसे सोन नदी का लाल बालू और गंगा का सफ़ेद बालू के अनुसार रेट निर्धारित होंगे। ग्राहक बालू की डिलीवरी पॉइंट और वाहन का भाड़ा चयन करने के बाद ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा मिट्टी के व्यावसायिक उपयोग के लिए ऑनलाइन परमिट भी जारी किए जा रहे हैं और अब तक 5 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 1 को अनुमति दी गई है। बिहार में सरकार जल्द ही 1 टैरिफ प्लान लागू करने जा रही है, जिसके तहत बिजली उपभोक्ताओं को एक ही दर पर बिजली मिलेगी, चाहे वे कम या ज्यादा यूनिट का इस्तेमाल करें। इस योजना के तहत बिजली दर का स्लैब समाप्त कर दिया जाएगा और उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 2.20 से 4.25 रुपए तक का बिल देना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 2.20 रुपए प्रति यूनिट और शहरी क्षेत्रों में 4.25 रुपए प्रति यूनिट की दर होगी। बिहार विद्युत विनियामक आयोग से झंडी मिलने के बाद ये योजना 2025 से लागू हो सकती है। नए प्लान से अधिक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को फायदा होगा, क्योंकि वर्तमान में शहरी उपभोक्ताओं को ज्यादा खपत पर उच्च दर का भुगतान करना पड़ता है। बिहार में शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए कठोर कदम उठाए हैं। इसके तहत राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के वेतन भुगतान में गड़बड़ी पर रोक लगाई जा सकती है। अगर वेतन सत्यापन और जानकारी पेरोल पोर्टल पर अपलोड नहीं किए गए हैं, इस मामले में लापरवाही बरतने वाले विश्वविद्यालय अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही शिक्षा विभाग हर महीने विश्वविद्यालयों के अधिकारियों के साथ बैठक करेगा, जिसमें कुल सचिव, वित्तीय परामर्शदाता और वित्त अधिकारी शामिल होंगे। डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने विश्वविद्यालयों को पूरी तरीके से तैयारी के साथ इन बैठकों में शामिल होने और नियमों का पालन करने की ताकीद दी है। बीते दिन पटना के गांधी मैदान में फिल्म पुष्पा 2 द रूल का ट्रेलर लॉन्च हुआ, जिसमें साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना शामिल हुए थे। दोनों सितारे पटना के ताज होटल में ठहरे। एयरपोर्ट पर अल्लू अर्जुन ने फैंस के अनुरोध पर फिल्म के सिग्नेचर स्टाइल में पोज भी दिया था। गांधी मैदान में ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान भारी संख्या में फैंस जुड़े थे, जिसमें भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। फैंस के बीच गजब का उत्साह देखने को मिला। दोनों सितारों को देखने के बाद फैंस को कंट्रोल करना तक मुश्किल हो रहा था। ट्रेलर लॉन्च 6 बजे हुआ। इस दौरान ग्रैंड एंट्री के लिए विशेष कार्य की व्यवस्था भी की गई थी।
बिहार में 17 से 21 नवंबर तक पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि भारत पोलियो मुक्त देश घोषित हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो वायरस के संक्रमण का खतरा बना हुआ है। इसलिए पोलियो के खतरे से बचने के लिए इस अभियान को उच्च गुणवत्ता के साथ चलाया जा रहा है। अभियान की तैयारी के तहत जिला टास्क फोर्स की बैठक की गई और सभी टीका कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया। इसके अलावा प्रमुख ट्रांजिट स्थलों जैसे बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर भी बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। दूर दराज इलाकों के लिए विशेष निगरानी दल बनाए गए हैं और प्रचार प्रसार के लिए IEC सामग्री भी वितरित की गई है। बिहार विधानमंडल के सामने बिहार शिक्षक संघ ने 28 और 29 नवंबर को धरना प्रदर्शन का आह्वान किया है। उनका कहना है कि राज्य सरकार की ट्रांसफर पॉलिसी शिक्षकों के हित में नहीं है। इस पर जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू के नेता अरविंद निषाद ने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि यह आंदोलन अनावश्यक है, क्योंकि सरकार की ट्रांसफर पॉलिसी शिक्षकों के हित में है। वहीं BJP नेता नीरज कुमार ने कहा है कि ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन सरकार ने उनके भले के लिए ये नीति बनाई है और शिक्षकों को सहयोग करना चाहिए। इसके साथ ही बिहार के शिक्षा विभाग ने सरकारी शिक्षकों के लिए एक फरमान जारी किया है, जिसके तहत उन्हें प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट और ट्यूशन पढ़ाने की अनुमति नहीं होगी। बीजेपी ने इस फैसले का स्वागत किया, जबकि जदयू ने इसे शिक्षकों को के दायित्व का हिस्सा बताया है और उन्हें सरकार का सहयोग करने की अपील की है। कई बार कमजोर भवन का निर्माण करवाने से घर गिरने या ढहने का मामला सामने आता है, इसलिए घर बनवाते समय हमें कई बातों को ध्यान में रखना भी जरूरी है। घर बनवाते समय सीमेंट में पानी मिलने के 1 घंटे के अंदर मसाले का उपयोग करना जरूरी है। ईंट जोड़ने से पहले 6 घंटे तक उसे साफ पानी में डुबोकर रखें। जुराई के समय ईंटों के बीच 10 से 12 मिलीमीटर का गैप रखें। 2 ईंटों के बीच मसाला अच्छे से भरें। 5 इंच मोटी दीवार कमजोर होती है, इसलिए मजबूत दीवार बनवाएं। दीवार बनने के बाद उसे अगले 10 दिनों तक भिंगोकर रखें। बिहार में सक्षमता परीक्षा पास करने वाले 1,40,000 शिक्षकों को 20 नवंबर को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए शिक्षा विभाग ने विभिन्न जिलों में अधिकारियों को तैनात किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में खुद कई शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद ये शिक्षक विशिष्ट अध्यापक के रूप में कार्य करेंगे और उन्हें बेहतर वेतन और सुविधाएं मिलेंगी। शिक्षा विभाग ने नियुक्ति पत्र में शिक्षक का नाम, पद, स्कूल, वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें जैसी जानकारी शामिल करने के निर्देश दिए हैं। इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए समस्तीपुर, जहानाबाद, दरभंगा, पूर्णिया, मधुबनी, गोपालगंज, सारण और अन्य जिलों में अधिकारियों की तैनाती की गई है। बिहार में सर्द हवा ने दस्तक दे दी है। दिन और रात में ठंड का तेज एहसास होना शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने की बात कही है। वहीं पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, किशनगंज, सुपौल, अररिया, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार जिले में 1 या 2 स्थानों पर घने स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है। कोहरे को लेकर इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं प्रदेश में अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री रहने की उम्मीद। बिहार में पैक्स चुनाव के दौरान उत्पाद पुलिस ने यूपी से आ रही छोटी बड़ी वाहनों की जांच शुरू कर दी है। गुप्त सूचना पर कैमूर में 3 स्थानों से शराब तस्करी के मामले सामने आए। भभुआ थाना क्षेत्र के उदासी देवी कॉलेज के पास एक मैजिक से 236 लीटर शराब और 2 तस्करों को पकड़ा गया। दूसरे मामले में भभुआ शहर के कचहरी गेट पर एक बुलेरो से 187 लीटर शराब बरामद की गई और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मोहनिया चेक पोस्ट पर एक स्कॉर्पियो से 270 लीटर शराब और 1 तस्कर को गिरफ्तार किया गया। कुल 693 लीटर शराब जिसकी कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है जब्त की गई और 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। उत्पाद अधीक्षक शैलेंद्र कुमार ने कहा कि आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। बिहार के बक्सर में औद्योगिक थाने की पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 800 ग्राम सोने के बिस्किट के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये तस्कर पटना से दिल्ली की ओर सोने की तस्करी कर रहे थे, जब उन्हें वाहन जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा जब्त किए गए सोने की कीमत 50 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। पकड़े गए आरोपियों के पास सोने के बिस्किट से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले हैं। बक्सर SDPO धीरज कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया है कि एक स्कॉर्पियो और उसके चालक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ जारी है।
पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में सोना ले जाने का आखिर उद्देश्य क्या था। स्मार्टफोन की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं और इसके पीछे के कई कारण हैं, जैसे एडवांस्ड कंपोनेंट्स की बढ़ती लागत, 5G टेक्नोलॉजी का संक्रमण और जनरेटिव AI जैसी नई सुविधाओं का इंटीग्रेशन। काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार 2024 में स्मार्टफोन की एवरेज सेलिंग प्राइस यानी ASP में 3% और 2025 में 5% और वृद्धि हो सकती है। स्मार्टफोन निर्माताओं द्वारा पावरफुल प्रोसेसर और AI फीचर्ड डिवाइसेज की बढ़ती मांग इस वृद्धि का मुख्य कारण है। 4nm और 3nm मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी कंपोनेंट लागत को बढ़ा रहे हैं। इन बदलावों से स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ सकती हैं, खासकर प्रीमियम और अल्ट्रा प्रीमियम मॉडल्स में, जबकि बजट और मिड रेंज स्मार्टफोन पर इसका असर कम होगा। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह सोनपुर मेला पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पुराने अंदाज में मेला का दौरा किया। काले चश्मे, हैट और हाथ में सिगरेट के साथ वो समर्थकों के साथ दिखे। मेले में उन्होंने 2 करोड़ रुपए कीमत के भैंसे को भी देखा, लेकिन इसे खरीदने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि ये उनके लायक ही नहीं है। जब उनसे घोड़े की रेस बंद होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अब शौक नहीं रहा, सरकार को रेस फिर से शुरू करनी चाहिए। शराब बंदी पर पूछे जाने पर उन्होंने कहा, जो पीता है वो पी ही लेता है। अनंत सिंह सोनपुर मेले में अपने घोड़ा लाडला के साथ पहुंचे, जिसे लेकर वो चर्चा में रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA में वापसी के बाद वो बार बार ये कह चुके हैं कि वो अब कहीं नहीं जाएंगे। हाल ही में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी ये बात दोहराई और कहा कि अब गलती हो गई, जिससे विपक्षी दलों के नेताओं ने सवाल उठाए हैं। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और बक्सर से सांसद सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार के बार बार सफाई देने पर निशाना साधा है। सुधाकर सिंह ने कहा है कि बार बार सफाई देने से लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, जिसे छिपाने की कोशिश की जा रही है। इस बयान को लेकर महागठबंधन के नेता भी हमलावर हो गए हैं और सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्यों नीतीश कुमार बार बार सफाई दे रहे हैं। रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारत ने इस साल T20 वर्ल्ड कप जीता था, जिसके बाद रोहित शर्मा ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया। BCCI के पूर्व अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने बताया कि एक समय ऐसा था जब रोहित टेस्ट कप्तानी संभालने से हिचकिचा रहे थे। गांगुली ने रोहित को टेस्ट कप्तान बनने के लिए मनाया और अंत में उन्होंने ये जिम्मेदारी स्वीकार की। गांगुली ने कहा कि रोहित ने जो हासिल किया है उससे वो हैरान नहीं है, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि रोहित एक सक्षम कप्तान है। इस समय रोहित ऑस्ट्रेलिया दौरे पर नहीं है, क्योंकि उनकी पत्नी ने हाल ही में बेटे को जन्म दिया है, इसलिए वो पहले टेस्ट मैच में नहीं खेल पाएंगे। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1727 में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जयपुर शहर की स्थापना की थी। आज के दिन वर्ष 1772 में पेशवा माधव राव प्रथम के छोटे भाई नारायण राव ने गद्दी संभाली थी। आज के दिन वर्ष 1948 में पटना के निकट स्टीमर नारायणी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिससे 500 लोगों की डूबने से जान चली गई। आज के दिन वर्ष 1972 में बाघ को राष्ट्रीय पशु चुना गया था। आज के दिन वर्ष 2017 में भारत की मानुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब अपने नाम किया था। अभी हाल में एक फर्जी SBI ब्रांच का खुलासा हुआ है, जो पूरी तरह से असली बैंक जैसा दिखता था। यहाँ के नकली कर्मचारियों काउंटर फर्नीचर और बोर्ड से धोखा लोग खा गए थे। कई लोगों ने बिना जांच के बैंक में अपने अकाउंट खुलवाए और पैसे जमा किए, जबकि कुछ ने फिक्स्ड डिपॉजिट भी किए। इसके अलावा फर्जी बैंक ने नौकरी के नाम पर भी धोखाधड़ी की और लाखों रुपए वसूले। ये घटना ये दर्शाती है कि धोखाधड़ी कितनी व्यापक हो सकती है, इसलिए आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आपका बैंक असली है या आप भी धोखा खा रहे हैं। इसकी जाँच के लिए आप RBI की वेबसाइट पर जा सकते हैं। बैंक और उसकी ब्रांच का नाम वहाँ चेक करें, बैंक के दस्तावेजों की वैधता जाँचें और कस्टमर सर्विस से संपर्क करें। शक होने पर स्थानीय अधिकारियों को सूचित करें। इन दिनों WhatsApp पर एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें स्टूडेंट्स को फ्री लैपटॉप देने की बात कही जा रही है। इस मैसेज के साथ ही फ्री लैपटॉप के लिए एक लिंक भी दिया गया है, जिसे क्लिक करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये धोखाधड़ी के प्रयास हैं? इस तरह के वायरल मैसेज पर यकीन करने से बचें। ऐसे लिंक पर क्लिक करने से आपको वित्तीय नुकसान हो सकता है या आपकी निजी जानकारी लीक हो सकती है। PIB फैक्ट चेक ने भी इस खबर की पुष्टि की है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे, जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल रहेंगे।
पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 10 नवंबर, ऑप्शन बी 11 नवंबर, ऑप्शन सी है 12 नवंबर, ऑप्शन डी है 13 नवंबर। इसका सही उत्तर है 12 नवंबर। हाल ही में पहला आकाशीय अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है पुणे, ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी है जयपुर। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। हाल ही में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ग्रीन एनर्जी के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए है अडानी ग्रीन, ऑप्शन बी है टाटा पावर, ऑप्शन सी है रिलायंस पावर, ऑप्शन डी है जियो ग्रीन। इसका सही उत्तर है टाटा पावर। मुगल शासक बाबर ने किसे पराजित करके बिहार पर नियंत्रण किया था? ऑप्शन ए है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी है महमूद लोदी, ऑप्शन सी है अजीज कोका, ऑप्शन डी है मखदूम आलम। इसका सही उत्तर है महमूद लोदी। शेर शाह को शेर खान की उपाधि निम्न में से किसने दी थी? ऑप्शन ए है मोहम्मद नुहानी, ऑप्शन बी हसन खान, ऑप्शन सी है दरिया खान नुहानी, ऑप्शन डी है हुमायूं। इसका सही उत्तर है मोहम्मद नुहानी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब उनके नाम है अंजनी सिन्हा, चंदन कुमार, चंदेश्वर, मुन्ना प्रसाद, परवेज वारसी, मोतीलाल कुमार, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, पंकज कुमार दास, कृष्णा प्रसाद, ओमकार सिंह, विपिन भारद्वाज, वेद प्रकाश सिंह, राजीव कुमार, संजय कुमार शर्मा, रंजीत मिश्रा, राजा कुमार, प्रमिला कुमारी, राजेश मांझी, राजीव कुमार, अरशद अंसारी, रंजन कुमार, मकसूद आलम। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार में ऑनलाइन बालू गिट्टी बिक्री पर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।